आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे तो उस एग्ज़ाम के बाद आप किस तरह ऑनलाइन काउंसलिंग कर पाएंगे, पूरी चीज़ हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक मैंने बताया है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिए, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो हो सकता आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सके अगर आप सही स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो। चलिए इस वीडियो में मैंने सही स्टेप, पूरी स्टेप बाय स्टेप और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक का मैंने पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में बताया है, किस तरह बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग में अपना आवेदन कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग में कॉलेज को ज्वाइन कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आपको बिहार कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCECP वाला, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे आपको एक नया टैब ओपन होगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एक नया टैब आपको ओपन हो जाएगा। नया टैब जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप नया टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले। यहाँ पे एक मिलेगा अप्लाई फॉर पॉलिटेक्निक इंजीनियर 2019, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के फिर से एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे आप नया टैब ओपन, यहाँ पे आपको लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके लिए यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर पॉलिटेक्निक के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करना है, सिंपली से आई एग्री पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक का जो रोल नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डेट कोड, डेट ऑफ बर्थ है वो, और ये सिक्योरिटी कोड आपको इस बॉक्स में इंटर करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये रोल नंबर मेरा, यहाँ पे ये रोल नंबर हो गया, ये रोल नंबर आपको दे देना होगा और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये सब देने के बाद ये सारा चीज़ फॉर्म आपको फिलअप कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पे एक OTP गया हुआ, उस OTP को आपको इस बॉक्स में इंटर करना होगा। तो चलिए OTP इंटर करते हैं। उसके बाद आपके जो OTP आया उस OTP को इस बॉक्स में इंटर कर देना होगा। तो चलिए OTP को इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा, यानी मोबाइल ईमेल पे आपको OTP गया होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर का नाम, मदर नाम, पूरी चीज़ यहाँ पे आपके द्वारा जितनी भी चीज़ भरी गई थी अप्लाई करते, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। और यहाँ पे आपकी रैंक भी दिखाएगी, अनरिजर्वेशन में 78,000 इनका और EWS में 3,000 है, तो यहाँ पे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको पास एड, आपको यहाँ पे पास एड रहने दे, तो अगर ये देंगे तो ये नहीं लेगा, इसलिए इसको पास रहने दे। और उसके बाद मैट्रिक में जो इतना मार्क आया था आपको वो भी यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको दे देना है, उसके बाद लॉगिन आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बना लेना है। जो भी पासवर्ड रखना चाहे तो वो आप यहाँ पे रख ले, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। जो भी पासवर्ड रखना चाहे पासवर्ड यहाँ पे रख लीजिए, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए, वही पासवर्ड इसमें इंटर कर, उसके बाद ये कैप्चर किस बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तक आपके पास सेंटोफेज आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला जो हो ऑप्शन था कि रजिस्ट्रेशन करने का, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हमको च्वाइस करना है, कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना है सिंपली से मैं आपको बता देता हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब यहाँ पे चॉइस करेंगे, यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे आ जाएंगे, चॉइस फिलिंग पे आएंगे, उसको अवेलेबल चॉइस पे, यानी कि यहाँ से आप देख पा रहे किस किस कॉलेज में अवेलेबल है अभी, तो उसका लिस्ट जो यहाँ पे पूरी कॉलेज का, पूरे बिहार की जो कॉलेज है, जो पूरी कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टोटल आपको कॉलेज बता देता हूँ, 203 कॉलेज है, तो इसमें जो भी जो कॉलेज आपको चाहिए वो आप दे दें। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको हम सजेशन करेंगे सभी कॉलेज को सिलेक्शन कर दें, सभी कॉलेज का चयन करेंगे। तो चलिए, इसमें बहुत सारे कॉलेज है, 203 कॉलेज में आप सभी कॉलेज में से जो कॉलेज देना चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेज है अवेलेबल, सारे कॉलेज के यहाँ पे आपको लिस्ट में नाम मिल जाता है, और कौन सी कॉलेज में क्या कोर्स होगी वो भी अपने कोर्स के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कोई आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आप किस तरह से आप च्वाइस करेंगे, उसके लिए च्वाइस फिलिंग पे जाएंगे, फिल च्वाइस पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह, यहाँ पे आप इंटरेस्टेड टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आप ऑल सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से अगर कम रैंक है 2-3 हज़ार है तो आप यहाँ से मनपसंद ले सकते हो। तो यहाँ से तो ऑल करना है तो ऑल कर दीजिए, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो मैं गवर्नमेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सिटी सेलेक्ट कर, कौन सा सिटी में आपको चाहिए इसको भी ऑल कर दीजिए, और ब्रांच वाइज यहाँ पे आप इसको भी आप कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सिविल इंजीनियर के कोर्स वाले कॉलेज होंगे सारे यहाँ पे आपको कॉलेज के नाम कोर्स मिल जाएंगे। जिसको भी आपको ऐड करना है, यहाँ ऐड बटन मिल रहा है, ऐड बटन को आपको क्लिक करना होगा और आप ऐड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए, जिस पे करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं पटना का ये कॉलेज ऐड करने वाला, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ऐड पे क्लिक करें कुछ इस तरह यहाँ पे देखिए ऐड होगा, हो चुका है। आप जितना करना चाहे 203 भी कर सकते हैं, तो यहाँ अगर इसको डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी यहाँ से आप कर सकते हैं, और जितना भी आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे चूज करेंगे यहाँ पे आपको लिखा जाए कितना कॉलेज आप सिलेक्शन किए हैं। ये सारा चीज़ आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, सेव यहाँ पे नीचे हम देख पा रहे हैं, सेव चॉइस पे क्लिक करना है, सेव चॉइस पे क्लिक कर देना होगा। तो ये चलिए फटाफट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो यहाँ फटाफट तो नहीं कीजिएगा, अच्छी सी आराम से समझ लीजिएगा, तो उसके बाद आप कीजिएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ धीरे से आप अच्छी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, जितने भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद सेव चॉइस पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो देखिए, मैंने सारे कॉलेज जो है फेल चॉइस पे क्लिक करके मैंने चूज कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 107 कॉलेज को फेल किया है। अब क्या करना, आपको कॉलेज को लॉक करना है, उसके लिए फिर से चॉइस फिलिंग पे आएंगे, यहाँ फेल्ड चॉइस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा ये आ चुका है, और हमारे द्वारा जितने भी कॉलेज दिए गए सारे कॉलेज यहाँ पे आ रहे हैं, और सभी के कोर्स में यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियर मैंने दिया है, तो यहाँ पे 107 कॉलेज मैंने दे दिया है। उसके बाद सबसे स्कोर डाउन करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको लॉक कर दीजिए। तो चलिए सिंपली सर लॉक पे क्लिक करके लॉक करते हैं। तो मैं इस कॉलेज को एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा कॉलेज जो पूरी तरह सही है मेरी द्वारा दिया गया, अब क्या करना है लॉक चॉइस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉक चॉइस क्लिक करेंगे उसके बाद फिर इस तरह इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर वहीं चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह का, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, अभी भी आप अगर चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करता, जो भी इसका पासवर्ड, मैं उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैंने पासवर्ड इंटर कर चुका हूं और यहां पे सबमिट करते हैं। वो पासवर्ड इंटर करना है जो लॉगिन करते हैं इस पर, तो वो पासवर्ड जो वही इंटर करना है। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। यहां पे देखिए योर चॉइस आर लॉकेड, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ योर चॉइस, ये बोल रहा है आपका चॉइस लॉक हो चुका है, अब आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो।
ठीक है। तो ये मेरा लॉक हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉक हो चुका है, यहाँ पे अनलॉक का भी है तो लॉक रहेंगे रहेगा जब तक, तभी ये काम करे। अगर लॉक नहीं कीजिएगा तो आपका ये जो काउंसलिंग है ये वैल्यू नहीं होगा इसका, तो इसलिए अब मेरा लॉक हो चुका है। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं प्रिंट को यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूँगा, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे मैं। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। इसी तरह आप काउंसलिंग में अपना सभी कॉलेज का नाम लिस्ट देख दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिया दे के दिखाया अपना, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए होम पेज आते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेप भी बताया कितना स्टेप आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद फिलिंग च्वाइस करना, उसके बाद सेव करना, ठीक है। उसके बाद फिलिंग च्वाइस क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉक करना, लॉक भी हम कर चुके हैं। उसके बाद विंडो को क्लोज कर देना है, विंडो क्लोज करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जितना स्टेप यहाँ पे बताया गया सारा स्टेप हम फॉलो कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे भी वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।